हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज डिस्कस करते हैं एक करंट में जो इशू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, द इंडस वाटर ट्रीटी। उसके बारे में एक इशू आपने अखबार में देखी होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये इशू है, कैसे इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई और क्या इसकी आज कंडीशन है, क्यों ये इशू अराइज हुई है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में एक इशू आई है कि पाकिस्तान इनिशिएटेड एन आर्बिट्रेशन एट द हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पाकिस्तान ने इस एक एप्लीकेशन लगाई है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो इंटरप्रिटेशन है उसको लेके एक इशू रेज की है। खासतौर से डिजाइन एलिमेंट क्वेश्चन किए गए हैं। दो रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो किशनगंगा रिवर पर है जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है और दूसरी रातले प्रोजेक्ट है जो चेनाब पर है। इस पर भारत ने दो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनके डिजाइन एलिमेंट्स को लेके पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, तो उसने हेग में जो पीसीए है वहां पर एप्लीकेशन लगाई थी। इंडिया रेज्ड ऑब्जेक्शंस एट इट व्यूज दैट द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज नॉट कॉम्पिटेंट। भारत ने क्या बोला है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कॉम्पिटेंट नहीं है इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, एंड सच क्वेश्चंस शुड बी डिसाइडेड थ्रू न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस। COA कॉम्पिटेंट नहीं है भारत कह रहा है और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स इसको डिसाइड करेंगे। अब ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहां से आ गया, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स कहां से आ गए जिसको भारत कह रहा है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान ने जनवरी में इसको रेज किया था, लेकिन अभी जुलाई में कोर्ट ने ये बोला है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो कॉम्पिटेंट है इस इशू को डिसाइड करने के लिए, ये जो पाकिस्तान ने इशू रेज की है, और दोनों पार्टियां इस पे बाइंडिंग हैं, इस पे कोई अपील भी नहीं है। जो कोर्ट ने कह दिया है कि वो कॉम्पिटेंट है, इस पे अपील भी नहीं होगी और ऐसा होगा। रिजेक्टिंग ईच ऑफ इंडियाज ऑब्जेक्शंस द कोर्ट डिटरमिंड दैट इट इज कॉम्पिटेंट टू कंसिडर एंड डिटरमिन द डिस्प्यूट सेट फोर्थ इन पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन। तो कोर्ट ने बोला है कि ये कॉम्पिटेंट है, ये कर सकती है। अब न्यूट्रल एक्सपर्ट्स पर इंडिया क्यों वजन दे रहा है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्यों कह रहा है कि वो कॉम्पिटेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको जानने के लिए इसके इतिहास में जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो इसके बारे में अमेरिकन राष्ट्रपति ने बोला था कि इट इज वन ब्राइट स्पॉट इन द वेरी डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर दैट वी सी सो ऑफन। उस समय जब ये साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के हालात बहुत खराब थे। ऐसे में अगर दो देश जो बिल्कुल एट लॉगरहेड्स विद ईच अदर हैं वो एक ट्रीटी साइन करते हैं तो ये एक बहुत आशा का विषय है। जो अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर होते थे उन्होंने इसके बारे में बोला है इट इज अ ब्राइट स्पॉट, आशा का विषय है। तो क्या इसकी कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। दोनों देश आजाद हुए हैं, पाकिस्तान और भारत, और नदियों के पानी का बंटवारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर पे बहुत सारी पंजाब की नदियां हैं, इनका बंटवारा होना दोनों देशों के लिए जरूरी था, दोनों देशों के लिए पानी बहुत अहम था। इसमें 1948 में होता यह है कि दोनों देश एक इंटर डोमिनियन एकॉर्ड साइन करते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। उसी के तहत क्या होता है कि इंडिया वुड सप्लाई वाटर टू पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान को वाटर सप्लाई करेगा इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल पेमेंट मेड बाय पाकिस्तान। अभी कोई डिवीजन नहीं हो रहा है पानी का, भारत पाकिस्तान को पानी इस एकॉर्ड के तहत सप्लाई करेगा, पाकिस्तान उसके बदले में भारत को पेमेंट करेगा। लेकिन ये ऑब्वियसली ये फैसला टेनेबल नहीं रहा और जल्दी ही ये डिसइंटीग्रेट हो गया, एज बोथ द कंट्रीज कुड नॉट एग्री अपॉन द कॉमन इंटरप्रिटेशन। दोनों ही इसको लेकर अपने अपने इंटरप्रिटेशन को लेकर भिन्न राय रखते थे तो ये नहीं चल पाता है। अब वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट प्रॉब्लम चली रही थी तो 1951 में दोनों देश राजी हो जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक को बीच में ले लेते हैं, हम दोनों मिलकर तो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ना वर्ल्ड बैंक को बीच में ले लें। तो वर्ल्ड बैंक को ये बीच में ले लेते हैं फॉर फंडिंग ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इरीगेशन प्रोजेक्ट्स ऑन द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब यहां पर ये वर्ल्ड बैंक को अप्लाई करते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने के लिए आप पैसा दे दीजिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वर्ल्ड बैंक ऑफर टू मीडिएट द कंफ्लिक्ट। जब ये वर्ल्ड बैंक पे जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक राजी हो जाता है कि हम यहां पर इस कंफ्लिक्ट को मीडिएट भी कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक मीडिएशन करता है और 1960 में दोनों देश काफी कुछ नेगोशिएशन करने के बाद साइन कर देते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, साइन हो जाती है। भारत की तरफ से उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
और राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के अयूब खान, इन लोगों ने साइन किया है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट किया था, तो वर्ल्ड बैंक मीडिएटर हो गया और दोनों देशों के बीच में साइन हो जाती है इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और मिस्टर यूगीन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ये होते हैं, तो ये ट्रीटी साइन हो जाती है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्या ये ट्रीटी थी, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये देखिए उस समय के अखबार ने बोला है कि डिवाइडेड वाटर्स पीस होप, दोनों ही देशों में पानी तो बटा है लेकिन शांति ही आशा है। और ये देखिए प्रेसिडेंट अयूब खान एंड नेहरू, दे बोथ आर, एक उस समय का ये अखबार का पेज है, उसके उससे पिक्चर ली गई है। तो ये ट्रीटी साइन हो गई थी। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं, वाटर शेयरिंग प्रोविजंस क्या हैं। द ट्रीटी प्रिस्क्राइब्ड हाउ वाटर फ्रॉम द सिक्स रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम वुड बी शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो तीन वेस्टर्न रिवर्स मानी गई हैं, तीन ईस्टर्न रिवर्स मानी गई हैं, इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये वेस्टर्न रिवर्स बोली गई हैं। ये जो इंडस है, झेलम है और चेनाब है, जो आपको ग्रीन सर्कल्स में दिख रही हैं, ये तीन वेस्टर्न रिवर्स बोली जाएंगी और रावी, सतलज एंड ब्यास ये ईस्टर्न रिवर्स बोली जाएंगी इस ट्रीटी के, अगर आप इस रेफरेंस में जाएंगे तो। इन तीनों में जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, चेनाब, इंडस और झेलम, इसका पानी का इस्तेमाल अनरिस्ट्रिक्टेड यूज पाकिस्तान को दे दिया गया है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है बारिंग सर्टेन नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक यूजेस बाय इंडिया, हाँ ये अलाउड है कि भारत एग्रीकल्चर के लिए और अपने पानी से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज किसी और पर्पज के लिए भारत इस्तेमाल इन तीन नदियों के पानी को नहीं करेगा। और जो पूर्वी नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, वो इंडिया को इस्तेमाल करने के लिए दे दी गई हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड यूसेज है। इन दोनों में ये बंटवारा हो जाता है, इन नदियों के पानी का इस तरीके से बंटवारा हो जाएगा, नदियां बंट गई रादर, ऐसे समझ लीजिए। इसके अनुसार ये देखा गया 80% ऑफ द शेयर ऑफ वाटर और अबाउट 135 मिलियन एकर हेक्टेयर वेंट टू पाकिस्तान, 135 मतलब 80% जो पानी है वो पाकिस्तान के पास चला गया और इंडिया के पास 33 MAF और 20% ऑफ वाटर यूसेज के लिए रहेगा। भारत के पास 33% आया, पाकिस्तान के पास लगभग, भारत के पास 20% आया, पाकिस्तान के पास 80% चला जाता है। वैसे देखें इंडस बेसिन को, तो इंडस बेसिन का 11.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूरा एरिया है, जिसमें 47% पाकिस्तान में, इंडस का जो भी बेसिन है इसमें 47% पाकिस्तान के पास इसका जो एरिया है, 39% भारत के पास है, 8% चाइना है और 6% अफगानिस्तान है। जो टोटल एरिया इंडस बेसिन का है, ये ऐसे समझ लीजिए चार देशों में बटा है, मैक्सिमम पाकिस्तान के पास है 47%, 39% इंडिया के पास, 6% अफगानिस्तान और 8% चाइना के पास हुआ करता है। तो ये बंटवारा हो जाता है। अब इसके बाद ये देखिए उस समय की एक न्यूज़पेपर का ये कटिंग है, जो आता है इकोनॉमिक टाइम्स, उसकी कटिंग है 19 सितंबर को, ये 1960 में साइन हो जाती है। इट वॉज साइंड ऑन 16 सितंबर 1960। अब इसके फीचर्स क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस कहते हैं कि दोनों देश एक इंडस वाटर कमीशन, परमानेंट इंडस वाटर कमीशन अप्लाई बनाएंगे, कि दोनों देशों के इसमें कमिश्नर्स, दोनों देशों के कमिश्नर्स इसमें हुआ करेंगे। और ये जो कमीशन बनेगा, इंडस कमीशन बनेगा, इट विल सर्व एज अ फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द रिवर्स फॉर कंटिन्यूड कॉपरेशन एंड फॉर द फर्स्ट स्टॉप फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है दोनों के बीच में, तो एक परमानेंट इंडस कमीशन बना देंगे, दोनों देशों के कमिश्नर्स इसमें होंगे और वहां पर इसको हम डेलिबरेट करके कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशनल प्रोविजंस को देखें, ऑल्दो पाकिस्तान हैज राइट्स ओवर द वाटर्स ऑफ झेलम, चेनाब एंड इंडस, लेकिन इंडिया को सर्टेन यूजेस अलाउड हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भारत इसमें अपने कुछ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स यहां पर भारत बना सकता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना सकता है। रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि वाटर को स्टोरेज नहीं कर सकते हैं और आप चलते पानी में अपना एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा होगा तो इंडिया के ऊपर कंडीशन ये है, इंडिया नीड टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट डिजाइन और ऑल्टरेशन, अगर कुछ
डिजाइन के जो फीचर्स हैं वो शेयर करेगा पाकिस्तान के साथ, और जो अल्टरेशन करते हैं उनमें करना पड़ेगा, हु कैन रेज ऑब्जेक्शंस एंड कैन रिजर्व इट्स कंसर्न विद इन 3 मंथ्स। पाकिस्तान को लगता है कि डिजाइन फीचर्स पाकिस्तान के हित में नहीं होंगे या जो बदलाव हुआ है, तो वो 3 महीने में अपना इशू रेज कर सकता है। इंडिया इज अलाउड टू हैव ए मिनिमम स्टोरेज लेवल ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, मीनिंग इट कैन स्टोर अप टू 3.7 मिलियन एकर फिट ऑफ वाटर फॉर कंजर्वेशन एंड फ्लड स्टोरेज पर्पजेस। थोड़ा बहुत पानी स्टोर कर सकता है भारत, ये भारत को इसमें अलाउड है। अब मान लीजिए कोई इशू रेज हो ही जाएगी तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? 3 स्टेप मैकेनिज्म है इसमें बताया गया है। पहले, क्वेश्चंस ऑन बोथ द साइड्स कैन बी रिजॉल्व्ड एट द परमानेंट कमीशन, जो इंडस कमीशन बना है, सबसे पहले तो वहां कोशिश की जाएगी। अगर पाकिस्तान को लगता है किशनगंगा और रातले प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, वहां पे क्वेश्चन रेज करेंगे, और दोनों देशों की सरकारों के बीच में भी इस पे बात हो सकती है। पहला स्टेप तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए इंडस कमीशन में बात नहीं बन पा रही है, तो ये डिस्प्यूट या डिफरेंसेस बन गए हैं दोनों के बीच में, किसी एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये पहले लेवल पे ले जाई जाएंगी वर्ल्ड बैंक के पास, कि वर्ल्ड बैंक इस पे पहली स्टेज में तो दोनों देश कोशिश कर लें अपने कमीशन के थ्रू या सरकारों के लेवल पर, वरना फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट आप इसको अपॉइंट कर दीजिए टू कम एट अ डिसीजन। तो सेकेंड स्टेज पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया जाएगा, जो न्यूट्रल होगा, जो इसको रिजॉल्व करेगा। Eventually, if either party is not satisfied with the decision of neutral experts, or in the case of disputes in the interpretation and extent of treaty, matters can be referred to the permanent court of arbitration at the Hague. अगर तीसरी स्टेज ये आती है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है, तो PCA के पास जा सकते हैं, ये इसका फैसला हो जाता है। अब यहाँ एक खास बात यह है कि ये ट्रीटी यूनिलेटरल एग्जिट की परमिशन नहीं देती है, दोनों ही देश इससे अकेले नहीं निकल सकते, दोनों को इट्स सपोज टू रिमेन इन फोर्स अनलेस बोथ द कंट्रीज रेटिफाई अनदर म्यूचुअली अग्रीड पैक्ट। तब तक लागू रहेगा जब तक दोनों देश राजी नहीं हो जाते कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिप्लेस करके आज के संदर्भ में नई ट्रीटी साइन करेंगे। तो ये इशू है। इशू क्या निकल के आई कि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो अपॉइंट कर दिया गया, इंडिया कहता है उसका फैसला ही सफिशियंट होगा, PCA को अधिकार नहीं है, PCA तक जाने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल एक्सपर्ट है, हम न्यूट्रल एक्सपर्ट के फैसले को देखेंगे। बट पाकिस्तान PCA चला गया है, पाकिस्तान ने जनवरी 2023 में अपनी एप्लीकेशन लगा दी, उसको लेके फिर PCA ने अभी बोला है जुलाई 2023 में कि जो PCA का आर्बिट्रेशन इस ट्रीटी के मैकेनिज्म के अनुसार बिल्कुल लागू होता है, और ये जो फैसला है ये इंडिया पाकिस्तान दोनों को मानना पड़ेगा। तो ये लेटेस्ट फैसला आया है एज पर द प्रोविजंस। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात नहीं मानी जा सकती है, देन फाइनली PCA में जा सकते हैं। इंडिया का कहना है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट का फैसला कॉम्पिटेंट है, न्यूट्रल एक्सपर्ट इसको रिजॉल्व करने के लिए PCA की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो ये बेसिकली इशू है जो इंडस वाटर ट्रीटी में एक फ्रेश इशू इस समय दोनों देशों के बीच में उभर कर आई है। तो आप ये करंट अफेयर्स के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं जो आपको एग्जाम में काम आ सकती हैं। तो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ Indus Water Treaty which was in news recently. Thank you very much for watching this particular video. Thank you very much.